हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और ये टॉपिक होगा हमारा जो अभी हाल ही में ऑपरेशन और अभियान हुए हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और वीडियो चैनल पर अपलोडेड हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है 15 अगस्त 2019 को किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास कोंकण 2019 प्रारंभ हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत और ब्रिटेन के मध्य। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के मध्य ये अभ्यास हुआ है। अभ्यास का नाम है अभ्यास कोंकण 2019। ठीक है, और ये नौसेना का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्च 2020 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कोचीन, कांडला, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ये होगा विशाखापट्टनम में। ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, 9 से 11 अगस्त 2019 के मध्य रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग में खड़े बिना दावे और पहचान वाले वाहनों को निपटारे हेतु चलाया गया एक विशेष अभियान क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन वाहन पहचान, ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन नंबर प्लेट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन नंबर प्लेट। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बट आपको जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको ज़रूर देना होगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 12 जुलाई 2019 के मध्य किन देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण 6 2019 संपन्न हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही न्यूज़ में था, ये जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भारत और रूस, भारत इज़राइल, भारत फ्रांस और भारत और श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास हुआ है। नाम याद कर लीजिएगा, गरुण 6 2019। ये भारत और फ्रांस के बीच ये वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास था। ठीक है, वायुसेना से रिलेटेड है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 9 जुलाई 2019 के मध्य किस पर रोक लगाने के लिए एक द्विव्यापी अभियान ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलवे परिसर में अनाधिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया है। थर्स्ट, ध्यान से आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जुलाई में हुआ था, 8 से 9 जुलाई में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, जून 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाहक जहाजों की सुरक्षा हेतु चलाया गया एक अभियान है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये अभियान क्या था? यह ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 में मणिपुर, नागालैंड, असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को ख़त्म करने के लिए भारत ने किस देश की सेना के साथ एक समन्वित अभियान ऑपरेशन सनराइज 2 चलाया। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑपरेशन सनराइज 2। नाम याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन सनराइज 2। मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रिय आतंकवादी समूह को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। 8वां प्रश्न आपके सामने, 20 से 28 मई 2019 के मध्य 8वां भारत म्यांमार समन्वित गश्ती IMCOR द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास 2019 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ था कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है, 16 से 22 मई 2019 के मध्य भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2019 आयोजित हुआ। पहली बात आपको नाम याद कर लेना, सिम्बेक्स 2019, और ये किसके बीच हुआ है? भारत और, देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, भारत और सिंगापुर, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 के मध्य किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 आयोजित हुआ। तो ये हुआ है किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धन पूरे कोटे। और कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी? कोलंबो। ये आपको ध्यान देना है, भारत और श्रीलंका के बीच
अभ्यास मित्र शक्ति हुआ है और ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 25 मार्च 2019 के मध्य किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा 2019 संपन्न हुआ है, तो ये बहुत ही न्यूज़ में था, तो देयर इज़ फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत और ओमान। ठीक है, भारत और ओमान। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की राजधानी क्या है, आपको बताना है। अल नागा ये न्यूज़ में रहता है तो आपको याद कर लेना, भारत और ओमान के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 12 से 25 मार्च 2019 में संपन्न हुआ था। ओमान का कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 16 दिसंबर 2018 के मध्य भारतीय नौसेनाओं और रूसी नौसेनाओं के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास इंद्रनेवी है नाम है आपको, इंद्रनेवी किसके किसके बीच में है, भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच में ये 10वां संस्करण हुआ कहाँ है, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, विशाखापत्तनम, कांडला, कोचीन, सेंट पीटर्सबर्ग, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। ठीक है, मैंने आपको बताया विशाखापत्तनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 12 से 18 नवंबर 2018 के मध्य भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 का आयोजन मिजोरम में हुआ। ठीक है, मिजोरम में हुआ है धर्म गार्डियन, भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो ये हुआ भारत और जापान के मध्य। ठीक है, सी इज आवर करेक्ट आंसर। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसी करेंसी आप बताइए, जापान में जो करेंसी यूज़ होती है उसका नाम क्या है। ठीक है, ओमान की कैपिटल पूछिए, जापान की करेंसी पूछी मैंने, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धर्म गार्डियन नाम है, 2018 जापान और भारत के बीच हुआ है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो 10 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो कंप्लीट कराना चाहती हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट भी ना हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। 12 से 18 नवंबर 2018 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2018 आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है समुद्र शक्ति 2018, ये बहुत ही न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। और ये नौसेनाओं के मध्य होने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास था समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, सब तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24-25 अप्रैल 2019 के मध्य 29वां आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आबू धाबी UAE में संपन्न हुआ, इस पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और चीन। देखिए अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किए वो थे ऑपरेशन अभियान से संबंधित। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये है सम्मेलन और समारोह से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, चीन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 24 से 30 अप्रैल 2019 के मध्य 29वां आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आबू धाबी UAE में संपन्न हुआ, इस पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश रहा है भारत, तो भारत था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26-27 फरवरी 2019 के मध्य इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पुणे, देहरादून, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देहरादून। ठीक है, देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां, 19-20 फरवरी 2019 के मध्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, सी इज आवर करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न आपके सामने, 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य 13वीं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक कहाँ संपन्न हुआ, भुवनेश्वर, ग्रेटर नोएडा, और दो ऑप्शन आपके सामने और है, मुंबई और अहमदाबाद, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में हुआ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा इज आवर करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न है, 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, इंदौर, नई दिल्ली, गुवाहाटी और भोपाल, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गुवाहाटी। ठीक है, जो कि आसाम में है, तो 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य द्वितीय सेकेंड आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ है। 15-16 जनवरी 2019 के मध्य वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ है कहाँ पर, मुंबई में, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 21वां प्रश्न आपके सामने है, 10 जनवरी 2019 को ग्लोबल स्किल समिट 2019 कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पर आयोजित हुआ था, लखनऊ, पटना, रांची, नई दिल्ली, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रांची। ठीक है, जो कि झारखंड की राजधानी है, यहाँ पर यह हुआ था। 22-24 नवंबर 2018 के मध्य 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ था अगरतला। ठीक है, ठीक है, अगरतला में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
3 से 5 दिसंबर 2018 के मध्य एशिया में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट कहाँ आयोजित हुआ? क्योंकि ये एशिया में पहली बार हुआ है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर हुआ है ये। एशिया में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट ये आयोजित हुआ है, ठीक है, भोपाल में। 26-28 नवंबर 2018 के मध्य सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बैंकॉक, सिंगापुर, थिम्पू या नैरोबी? नैरोबी जो ये केन्या की राजधानी है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नैरोबी, ठीक है, नैरोबी ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन नैरोबी में हुआ, जो केन्या की राजधानी है, 26-28 नवंबर में, ठीक है, 2018 की बात है। 7 से लेकर 9 नवंबर 2018 के मध्य 5वें विश्व इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है आपके आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, वुजेन में, ठीक है, जो कि चीन में है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना कहाँ पर है, पूछा जा सकता है। तो वुजेन है कहाँ पर? चीन में। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है बट आपको अच्छे सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8 अक्टूबर 2018 के मध्य 4वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का फर्स्ट रैंक आती है, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, एरिया की बात की जाए तो राजस्थान है, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 सितंबर 2018 के मध्य 4वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस 2018 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था लीडेन में, ठीक है, लीडेन में हुआ, जो कि नीदरलैंड में, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में देश है नीदरलैंड, तो यहाँ पर लीडेन में 4वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस 2018 ये संपन्न हुआ है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल जोड़ करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आंसर भी मिल जाएंगे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 25-28 सितंबर 2018 के मध्य पहला वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, बीजिंग, हेग, हैम्बर्ग या पेजिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर जरूर दीजिएगा, इससे पहले जो मैंने दो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।